जी दोस्तों, असं अज आए हाँ सराय नौरंग बनो दे एक शहर है उत्थे, उत्थे दी एक बेकरी है उहदे विच मौजूद हाँ। ये ऐ बनिया होया पतीसा दो कलर दे विच। फिर सही कितनी देर तक कटना? अच्छा जी, सही है। ऐ हुण ही बना के तैयार किया ते अद्धे घंटे तक तकरीबन कटन गए। तुहानू दिखा रहे हैं मिठाई, मिठाई किस तरह तैयार की जाती थी, कैसे तैयार हुई हुई है। यह है जी, इन्होंने की कहते शक्कर पारे, शक्कर पारे है जी। यह पनीर प्याज ये तो रसगुल्ले गुलाब जामुन वगैरह तैयार होंगे ने। यह है सोन हलवा बर्फी। ये वही पतीसा कट के रखे हुआ है, पतीसा जी है कट के रखे हुआ है। यह है समोसे स्पेशल, ये चिकन चिकन समोसा ना जी, जी। ए चिकन समोसा है जी। ते इस तो बाद जनाब है रसगुल्ले दो कलर मौजूद ने, बना के पनीर तो तैयार होंगे ने, बना के ते शीरे दे पा के रखे हुए ने। कितनी देर तक ये तकरीबन पे रहते हैं इतने? सही है, मतलब इधर पे रहेंगे तकरीबन कोई 10-12 घंटे। ऐ शीरा जी, ए कड़ी चाय, ऐ आटा बर्फी, बर्फी। अच्छा बर्फी, ए खोया है यानी के? हाँ जी, हाँ जी। ए खोया जी, यदि बर्फी तैयार होंदी है। इस तो बाद ऐ पेश खिदमत है जी गुलाब जामुन। इत्थे मिठाई वगैरह तैयार की जाती जी, तंदूर चल रहा, मिठाइया खाने वाले हो, इन्नी सौखी नहीं तैयार होंगी देख लो। उस तो बाद रस वगैरह बने हुए हैं, इन्हों का वजन करके पैकेट बंद किया जा रहा है। मेजा तैयार होया पिया जी, मैदा गुन्या होया जी, ये रस तैयार होते हैं। मशीन चल रही आटा गुनिया जा रहा रस्तों वास्ते, मिंदी पेटर लगाया होया जनरेटर नुमा, और मैदा वगैरह सुट के पानी सुट देते हैं, वो आटा गुनिया जा रहा। ऐ रस पक रहे हैं जी, छोटा बच्चा देख लो, ये रसा का कारीगर आ, इस भट्टी के काम करता कारीगर है जी। इतनी ज़्यादा गर्मी और इतनी ज़्यादा हीट के खड़े होना बड़ा मुश्किल है, रस तैयार हो रहे हैं। किन्नी देर बाद तुम पता लगता तैयार हो गए, चेक करता। सही है माशाल्लाह, 20 मिनट बाद तकरीबन तैयार हो जाता जी, यह भट्टी है रस तैयार करने वाली।